भाई नमस्कार। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी की। जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी हमारे सामने लाई तो जा रही, लेकिन इसके जो मेन क्वेश्चंस कुछ हैं उस चीज के बारे में आज हम रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ हमें कुछ बड़े रोल में नजर आ रहे हैं। वहीं पर इस मूवी को हमें रिलीजिंग डेट भी काफी अच्छी डेट पर रिलीज किया जा रहा है, जहाँ पर हमें ईद पर रिलीज होते हुए नजर आए, जो कि एक महीने लगभग बचे हुए इसको रिलीज होते हुए। लेकिन वहीं पर इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस चीज के बारे में बात करें। कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए थे, बोले थे कि क्या इस मूवी में कॉमेडी मिलेगी देखने को, या फिर पूरी तरह से हमें एक्शन लेवल ही देखने को। तो दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों के बारे में बात करूँ तो हमें इस मूवी में कॉमेडी कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी, कॉमेडी हमें पूरी तरह से शायद जीरो मिलेगी। वहीं पर एक्शन की बात करूँ तो एक्शन पूरी तरह से भरपूर इस मूवी में दिखाया जाएगा। हम इस आधार पर कह सकते हैं कि हमें कॉमेडी नहीं देखने को मिलेगी। हमने इसका ट्रेलर भी देखा, टीजर भी देखा, और कहीं भी हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि इस मूवी में थोड़ी बहुत कॉमेडी प्रोड्यूस की गई है। यहाँ पर जो कॉमन बात है, वो कॉमन बात हमें जैसे लगाई गई कि जैसे अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ ने एक्शन लेवल दिया है, इतना मैचिंग किया है कि आपको माइक्रो सेकेंड का भी फर्क नहीं दिखेगा उन लोगों में। यानी कुछ भी करते हैं वो एक साथ करते हैं और एक लेवल पर करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अंजाम देते हैं। लेकिन अगर हम पहली मूवी की बात करूं बड़े मियां छोटे मियां, जो हमारे सामने अमिताभ बच्चन एंड गोविंदा के द्वारा लाई गई थी, तो उस मूवी से इंस्पायर हुई ये मूवी काफ़ी अच्छी मूवी है, इस चीज़ को हम जरूर कह सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि वो मूवी जैसे बनी थी, उस मूवी को